गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में पुनः आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। हमारा पिछला लेसन था प्रत्यय। प्रत्यय दो प्रकार के माने जाते हैं, कर्ण कर्त प्रत्यय और तदित प्रत्यय। कर्त प्रत्यय वे प्रत्यय माने होते हैं, ऐसे प्रत्यय या ऐसे प्रत्यांश शब्द जो किसी संज्ञा सॉरी किसी धातु या क्रिया पद के जुड़ करके नए शब्द का निर्माण करते हैं, वो कृत्य या कृदंत प्रत्यय माने जाते हैं। नंबर दो है तदित प्रत्यय, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़ने वाले जो शब्द है या जो शब्दांश है वो तदित प्रत्यय माने जाते हैं। नंबर तीन तक हो गया था आपने कृत प्रत्यय, दूसरा कर्त वाचक प्रत्यय, दूसरा करण कर्मवाचक, तीसरा करणवाचक, चौथा है नंबर चार भाव वाचक कर्त प्रत्यय, भाववाचक कृत्य प्रत्यय। इस प्रत्यय की विशेषता क्या होती है? कर्त प्रत्यय से बना हुआ कर्त प्रत्यय से बना हुआ कर्त प्रत्यय से बना हुआ कोई शब्द यदि कोई शब्द यदि भाववाचक के संज्ञा को प्रकट करता है, भाववाचक संज्ञा को प्रकट करता है तो वहां उसे तो वहां उसे भाववाचक कर्त प्रत्यय माना जाता है। अगर कोई भी कर्त प्रत्यय है उस कर्त प्रत्यय से बनावा शब्द है यदि भाववाचक संज्ञा को प्रकट करने लगता है तो उसमें कर्त प्रत्यय भाववाचक कर्त प्रत्यय माना जाता है। जैसे सजावट शब्द है सज ना प्लस आवट, आवट प्रत्यय जुड़ने से सज शब्द है वो सजावट बन गया। मिलावट मिलावट शब्द है मिल ना प्लस आवट, चढ़ाई चढ़ प्लस आई, चढ़ प्लस आई, लूट लूट शब्द है लूट ना प्लस ए, काट काट
ना प्लस ए अगला है नंबर पांच है क्रियावाचक कृत प्रत्यय कर्त प्रत्यय। इस प्रत्यय में जब क्रिया के जब किसी क्रिया के साथ हुआ हुई और हुए जुड़ा हुआ जब किसी क्रिया के साथ हुआ हुई हुए जुड़ा हुआ हो तो वहां उन्हें क्रियावाचक के कर्त प्रत्यय माना जाता है। जब किसी क्रिया के साथ हुआ हुई हुए जुड़ा हुआ हो तो वहां उन्हें क्रियावाचक कृत प्रत्यय माना जाता है। जैसे वह हंसती हुई चली गई, वह हंसती हुई चली गई, वे भागते हुए आए, वे भागते हुए आए, अगला है नंबर दो तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय की पहचान क्या होती है? तद्धित प्रत्यय से बना हुआ कोई शब्द तद्धित प्रत्यय से बना हुआ कोई शब्द यदि वाक्य में कर्ता कारक कर्ता कारक की तरह कर्ता कारक के की तरह या कर्ता कारक के रूप में लिखा जाता है तो वहां उसे
कर्तवाचक तदित प्रत्यय माना जाता है, वहां उसे तदित कर्तवाचक तदित प्रत्यय माना जाता है। अब इसमें विशेष तौर से ये ध्यान रखना कि तदित प्रत्यय है वो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़ करके नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें तदित प्रत्यय कहा जाता है। तदित प्रत्यय छह प्रकार के होते हैं। तदित प्रत्यय छह प्रकार के माने जाते हैं। इसमें ये ध्यान रखना तदित प्रत्यय संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं और इनके छह भेद माने जाते हैं। छह प्रकार के तदित प्रत्यय माने जाते हैं। पहला है कर्तवाचक तदित प्रत्यय। इसकी पहचान होती है कि यदि तदित प्रत्यय से बना हुआ कोई शब्द है वाक्य में कर्ता कारक की तरह या कर्ता कारक के रूप में लिखा जाता है तो उसे तदित कर्तवाचक तदित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे सपेरा बीन बजा रहा है, सपेरा बीन बजा रहा है। इसमें सपेरा शब्द है वो कर्ता कारक शब्द है, सपेरा शब्द है इसमें कर्ता कारक है। सांप प्लस एरा इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है, मूल शब्द है सांप प्लस एरा इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इस प्रत्यय के जुड़ने से सपेरा शब्द बना है। दूसरा वाक्य है माली फूल तोड़ रहा है, इसमें कर्ता कारक शब्द है ये माली, माला प्लस ई किससे बना है माली शब्द, माला प्लस ई प्रत्यय जुड़ने से माली शब्द का निर्माण हुआ है। दूसरा भाव वाचक तदित प्रत्यय, भाववाचक तदित प्रत्यय, तदित प्रत्यय से बना हुआ कोई शब्द यदि भाववाचक संज्ञा को प्रकट करता है, संज्ञा को प्रकट करता है तो वहां उसे
भाववाचक तदित प्रत्यय कहा जाता है। तदित प्रत्यय से बना हुआ कोई शब्द यदि भाववाचक संज्ञा को प्रकट करता है तो वहां उसे भाववाचक तदित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे बचपन, बच्चा प्लस पन, बूढ़ापा, बूढ़ा प्लस आपा, गरीबी, गरीब प्लस ई, सुंदरता, सुंदर प्लस ता। नंबर तीन है संबंधवाचक तदित प्रत्यय। संबंधवाचक तदित प्रत्यय ऐसे प्रत्यय, ऐसे प्रत्यय जो किसी शब्द से अपने, जो किसी शब्द से अपने संबंध को स्थापित करते हैं ऐसे प्रत्यय जो किसी शब्द से अपने संबंध को स्थापित करते हैं, अर्थात जब भी किसी शब्द से किसी, जब किसी शब्द से किसी जब किसी शब्द से किसी से संबंध, संबंधित होने का अर्थ प्रकट होता है, होने का अर्थ प्रकट होता है तो वहां संबंधवाचक तदित प्रत्यय माना जाता है। अर्थात ऐसे शब्द जो
किसी अन्य के साथ अपना संबंध स्थापित करते हैं या संबंध होने का बोध कराते हैं वो तद्धित प्रत्यय माने जाते हैं। जैसे सामाजिक समाज प्लस एक, समाज शब्द इसमें मूल शब्द है, एक प्रत्यय जोड़ने से सामाजिक शब्द बना है। फुफेरा फूफा प्लस एरा, फूफा प्लस एरा। ऐतिहासिक इतिहास प्लस एक, औद्योगिक उद्योग प्लस एक, मानसिक मानस प्लस एक, चचेरा चाचा प्लस एरा, ममेरा मामा प्लस एरा, राष्ट्रीय राष्ट्र प्लस ये। धन्यवाद बच्चों।